सो हेलो एवरीवन, आज की ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए है जिसकी फिजिक्स बिगड़ी हुई है। बिगड़ी हुई फिजिक्स का मतलब क्या है कि भैया अल्टीमेटली हमारा टेस्ट में स्कोर अच्छा नहीं आता। अच्छा नहीं आने का मतलब क्या है कि भाई 50 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर है, 70 नंबर है, 40 मार्क्स है, या जितना चाहिए उतना नहीं है, और वो 150 का मार्क आप रीच नहीं कर पा रहे हो। मतलब कि फिजिक्स सही नहीं चल रही है। अब फिजिक्स सही नहीं चलने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। आपने लेट स्टार्ट किया, आपने इनिशियली बहुत ज्यादा फिजिक्स में बैकलॉग बना लिया था, या फिर समझ में नहीं है आपको, ठीक है, आपके टीचर से, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो अभी कैसे हम लोग फिजिक्स को इम्प्रूव करें, ये एक स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है, ये एक प्लानिंग वीडियो है, ठीक है। मैं आपको पूरा खुद बैठ के प्लान कराऊंगा कि कैसे हम लोग फिजिक्स को नेक्स्ट 75 डेज में पूरा खत्म कर ले और फिर उसको रिविजन करें, ठीक है, जिससे फिजिक्स में हम लोग उस 150 मार्क्स से क्लोज पहुंच पाए। कई बच्चे उसको क्रॉस कर जाएंगे, बट कई बच्चे एटलीस्ट उसके चक्कर में 130, 140, 150 वहां तक एटलीस्ट पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो टारगेट अपना ये है कि जितना स्कोर इंप्रूव कर सकेंगे वो करेंगे अपन। कौन से लेक्चर देखना है यूट्यूब पे, क्या करना है, सब कुछ मैंने आपके लिए बनाया है डिटेल्ड में, ठीक है, पूरी पीडीएफ। तो वीडियो को एंड तक देखो, सारा सरप्राइज एंड में ही है, राइट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरू करते हैं डिटेल्ड फिजिक्स प्लान, ठीक है। आपको सबसे पहले जो करनी है ना, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल। सारा कंटेंट आपको वहीं मिलेगा, प्रीमियम कंटेंट, ठीक है। अब फिजिक्स प्लान में मैं यहाँ पे स्कोर की तरफ 150 जो मैं टारगेट है, ठीक है, उसके आसपास हमें पहुंचना है अराउंड, ठीक है। तो 75 अपने पास है, राइट। यहां से मैं टाइम ले रहा हूं जनवरी 1 से लगभग आप मान लो मार्च का मिड, राइट। अब पहली चीज तो अपने को अपने बेसिक से स्टिक करना है, ठीक है, स्टिक टू बेसिक्स। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं करनी है, कोई फालतू बुक्स नहीं करनी है, कोई फालतू के जेई मेंस के मॉड्यूल से सब चीजें नहीं करेगा, फिर वीडियो बिगड़ी हुई है आपकी, ठीक है। क्या करना है, वन शॉट लेक्चर। अब ये वीडियो किसके लिए, जिनका फिजिक्स ऑलरेडी 80-90% हो चुका है, ठीक है, बट उनका बिल्कुल मतलब उनको मार्क्स बिल्कुल नहीं आते, या जिनको कुछ भी नहीं आता, सिंपल बता रहा हूं, जिनको एकदम बेसिक से भी वीक है, ठीक है, उनके लिए भी यही पाथवे होगा अब, ठीक है। जिनका हाँ, जिनका बहुत अच्छा फिजिक्स है, ठीक है, उनको जरूरत नहीं है वीडियो देखने की, राइट। चलो, वन शॉट लेक्चर करना है आपको। आपको पीवाईक्यूज करना है, प्रीवियस क्वेश्चन, ये आपकी प्रायोरिटी है, ठीक है। इसके अलावा टाइम मिले तो कुछ और कर सकते हो, बट पीवाईक्यूज प्रायोरिटी होने वाला है। एंड टेस्ट प्लस एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। अब मैं आपको एक सरप्राइज दे रहा हूं, यहां पे एक सरप्राइज देख लो, व्हाट इज दिस, ठीक है। मैंने आपके लिए एक शेड्यूल बनाया है कि कैसे कैसे फॉलो करना है विद लिंक। कहां मिलेगा, अगेन टेलीग्राम, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, राइट, डोंट टेक टेंशन। अब देखो क्या करना है, ठीक है, मैंने बता दिया बेसिक अपने को क्या करना है, लेक्चर देखने वन शॉट, और वन शॉट मैंने आपके पूरा काम इजी कर दिया है। सेकेंड, पीवाईक्यूज करना है, आपका पीवाईक्यू की बुक हो गई, आपको ऑनलाइन पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो दो चीजें आपको करनी है, राइट। सबसे पहले, अब मैं यहां से लेके चल रहा हूं कि आपने भाई 31st को एंजॉय कर लिया, मैंने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम अपने पास है नहीं कि आप एंजॉय करो बढ़िया, 31st वेस्ट कर दो, फर्स्ट वेस्ट कर दो, टाइम नहीं इतना, ठीक है। बढ़िया, बस टीवी पे देखो कि हाँ भैया 31st होगी, थैंक यू, आगे बढ़ो, राइट। अब 1st जनवरी अपने पास है, यहां से 15 जनवरी, अब मैं टाइमलाइन ले रहा हूं, ये मैं अकॉर्डिंग टू अपनी टेस्ट सीरीज ले रहा हूं, जो हमारी ऑल इंडिया कोटा टेस्ट सीरीज है। जिनको पता नहीं है, मैं टेस्ट सीरीज दिखा दूं आपको, जिस पर ऑल इंडिया कोटा टेस्ट सीरीज, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये। इसमें 20 मॉक पेपर्स है, 10 पार्ट टेस्ट, 10 फुल सिलेबस, शेड्यूल दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, डिटेल आपको सोशल मिल रहे होंगे। एनसीईआरटी बेस्ड, कोई फालतू फैंसी क्वेश्चंस नहीं, नीट लेवल क्वेश्चंस है। ये आपकी ऑनलाइन मोड में रहेगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश में है, और सबसे यूनिक बात क्या है इसकी, हर टेस्ट के बाद और टेस्ट के पहले भी हम लोग करने वाले कि टेस्ट लिए कैसे प्लान करना है, क्या करना है। तो आप मान लो पूरा आपका मैं हैंड होल्डिंग करूंगा कि भाई ये करना है, तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो आप वो करोगे, टेस्ट में परफॉर्म करोगे, नहीं आया अच्छा स्कोर इंप्रूव करेंगे, राइट। तो हमारा काम क्या होगा, आपका काम क्या होगा, जो मैं बोल रहा हूं फॉलो कर लो और उसको अप्लाई करो, राइट। अभी हम लोग ऑफर में चल रहा है, आज का ये ऑफर 30 दिसंबर का, आपको 1999 की ये टेस्ट सीरीज जो है ये आपको मिल रही है 999 में। आपको कोड लगाना है XMS, क्रिसमस ऑफर होती है 23, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, आप वहां पर जाके एक बार जरूर से चेकआउट कर सकते हो, राइट। अब देखो हमने क्या किया, 1st जनवरी से 15 जनवरी इसका हमने डेट लिया है, राइट। 15 जनवरी तक हम लोग क्या करने वाले, देख लो फटाफट से, हम लोग 8 चैप्टर्स खत्म करेंगे, जो आपके सबसे वीक 8 चैप्टर्स, ये मुझे पता नहीं है कि आपके कौन से वीक चैप्टर 8 है, ठीक है। तो अपने कोई भी 8 वीक चैप्टर्स उठाओ, वीक, ठीक है। तो वीक चैप्टर जो आपके लगते कमजोर है
वो आपको इन 15 दिन में खत्म करना है। कैसे होगा भैया, क्या होगा बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब कैसे उठाना चैप्टर, आप शेड्यूल देख लो, ठीक है। तो पहले के जो क्लास 11 थे, क्लास 12 का शेड्यूल है, ठीक है, उस शेड्यूल में कौन से ऐसे हाई वेटेज चैप्टर्स है उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा चैनल के ऊपर, हाई वेटेज चैप्टर्स का वाला, वो देख लो। और कौन से चैप्टर्स ऐसे है जो आपको नहीं आते बिल्कुल, उन 8 चैप्टर, फिजिक्स में 28 चैप्टर है अपने पास, ठीक है। तो 8 चैप्टर जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं वो अभी आप खत्म कर लोगे टेस्ट से पहले पहले, एक हफ्ते पहले, राइट। तो अपने पास 21 से टेस्ट है, 21 तारीख से, राइट। फर्स्ट टेस्ट है अपना ये, इसका पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है, देख लो ये, ठीक है, एकदम ऑल इंडिया कोटा का पेपर है, ठीक है। पेपर से प्रॉपर होता है ना, प्रॉपर वैसे विद सॉल्यूशन, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा दूं, ठीक है, मैं दिखाया वैसे कई क्वेश्चंस, ठीक है, तो प्रॉपर एनसीईआरटी वैसे देखो, ठीक है, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है पहचान सकते हो, क्या है ये कॉमेंट कर देना, ठीक है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। तो ये डायरेक्टली किससे क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीईआरटी से आ रहे हैं। अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछूं इसके अंदर, ठीक है, डायरेक्टली आया है जो मुझे नहीं करना चाहिए बट स्टिल, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल प्रॉपर डेवलप्ड होता है विद मस्कुलर फेरिंग्स किसके अंदर, टीनोफोरा, प्लेटी एलिमेंटिस, एस्क एलिमेंटिस, एनलिडा, किस में होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करोगे तभी नीट पर सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये 100% एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है और जो नीट में मैक्सिमम चांस है आने के, राइट। तो हमारा जो शेड्यूल है 21 से स्टार्ट है, तो हमने क्या किया भाई, हमने 15 तारीख तक पूरा जो आपका जो शेड्यूल होगा, जो आप कोचिंग दे रहे हो, ठीक है, वह आपको ये चीज करनी, ये वेट मत करना कि भाई मेरा फिजिक्स का सिलेबस खत्म होगा तब मैं जाके टेस्ट दूंगा, सबसे बड़ी गलती, ठीक है। जो ये सोचता है ना कि मैं सिलेबस खत्म होने का वेट करूंगा, सिलेक्शन नहीं होगा, मैं खुद भुगत चुका हूं, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, 15 जनवरी तक अपने को पूरा खत्म कर लेना है ये 8 चैप्टर, 7 to 8 चैप्टर, ठीक है। अब 15 जैन से 21 जैन तक क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट टेस्ट का सिलेबस बहुत अच्छे से करेंगे, ये सिलेबस है, ठीक है, ये आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स, यूनिट डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, बहुत अच्छे से, ठीक है। जब फर्स्ट टेस्ट में हमारा 150 प्लस मार्क्स आएगा, हमें कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई हम कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टेस्ट का सिलेबस हम लोग अच्छे से करेंगे, फिर जैसे फर्स्ट टेस्ट खत्म होगा 21 को, हम लोग 28 का जो टेस्ट है उसका प्रश्न स्टार्ट कर देंगे, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, राइट, ऐसे हम लोग करते हुए जाएंगे। फिर 21 जनवरी से जो फर्स्ट टेस्ट होगा 21 जनवरी को, वहां से 24 मार्च को हमारा लास्ट पार्ट टेस्ट है, वहां तक हम लोग पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर रहे होंगे वन शॉट्स के थ्रू, पीवाईक्यूज के थ्रू और टेस्ट के थ्रू, ठीक है। अब खुद सोचो, जब मैं बता रहा हूं आपको कि हम लोग 20 टेस्ट करेंगे, हर टेस्ट में फिजिक्स के 50 सवाल है, तो 1000 क्वेश्चन फिजिक्स के हम लोग यहीं से कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको गोल्डन बुक ऑफ फिजिक्स प्रोवाइड किया फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है, उसमें 500 क्वेश्चन के ऊपर है, तो आप देख रहे हो कि आपके पास खुद के पास क्वालिटी क्वेश्चन के अच्छे से क्वेश्चन बैंक है, जहां से 75% क्वेश्चन नीट पर रिपीट होने वाले, राइट। तो हमने 24 मार्च तक पूरा खत्म कर लिया और उसके हमने फुल सिलेबस का रिविजन किया एटलीस्ट 3 टाइम्स मार्च से लेके लास्ट तक। वो कैसे करना है वो बताऊंगा पूरा प्लानर के साथ। अब देखो, अब जब कोई आप चैप्टर खत्म कर रहे हो, फर्स्ट जनवरी से आप लग रहे हो और कोई भी चैप्टर आप खत्म कर रहे हो, ठीक है, तो मैंने आपके लिए बनाया है ये फिजिक्स वन शॉट शेड्यूल, ठीक है। वन शॉट शेड्यूल मतलब क्या, आपको जो चैप्टर उठाना है उठाओ, मैंने काम आसान कर दिया, आपको यूट्यूब पे कहीं फालतू सर्च नहीं करना कि भाई मैं कौन सा लेक्चर देखूं, ठीक है। मैंने टाइम ड्यूरेशन देख के, ठीक है, मैंने लेक्चर को देख के कि भाई ये लेक्चर अच्छा है इन टीचर का, ठीक है, मैंने कहां से रेफरेंस लिया, मैंने पीडब्ल्यू, अनअकैडमी हो गया, नीट फिजिक्स कोटा हो गया, आशीष सर हो गए, फिजिक्स गैलेक्सी वाले, बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे है जो पढ़ाते हैं प्रॉपरली, ठीक है, 4 घंटे के लेक्चर है, 5 घंटे के लेक्चर है, कुछ 2 घंटे के, कुछ 3 घंटे है, कुछ 1 घंटे के भी है, ठीक है। तो जहां पे लगता है मुझे कि हाँ भाई ये चैप्टर का पीरियड अच्छा है, यहाँ पे हमको इनडेप्थ नॉलेज चाहिए, वहां पे मैंने आपको टाइम बड़े लेक्चर दिए, जहां लगता है कि नहीं वहां पे आपको कम लेक्चर दिए। अब फॉर एग्जांपल मान लो मैं क्लिक कर रहा हूं, मुझे करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, तो मैंने इस पे क्लिक करना है, ये पीडीएफ को कहां मिलेगी, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, ये भी खुल नहीं रहा यहां से, ठीक है, ये यहां से खुल नहीं रहा है, बट डायरेक्टली यहां पे क्लिक करते हैं आपको ये, क्योंकि पीडीएफ फॉर्मेट में यहां पर मैंने शेयर नहीं किया, बट जैसे आपको ये पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर, आपको बस इस पे क्लिक करना है, आपको वीडियो खुल जाएगा यूट्यूब का, ठीक है, जो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, कोई प्रमोशन नहीं है, पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है, आपके अच्छे के लिए किया है, ठीक है, टाइम सेव हो आपका, राइट। तो ये हमारी ये है, और करना किसके अकॉर्डिंग है, करना हमें इसके अकॉर्डिंग है, राइट, करना हमें किसके अकॉर्डिंग है, करना हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग है, हर टेस्ट के पहले, देखो टेस्ट का जो शेड्यूल है आप एक बार देखोगे तो समझ में आएगा कि हर इतना भी स्टफ नहीं है, ठीक है, ये पेन पेपर में होगी और ऑनलाइन, मतलब पेपर में क्या आप पीडीएफ से प्रिंट कर सकते हो
या ऑनलाइन आप टेस्ट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पूरा खत्म कर रहे होंगे, ये पूरा ये शेड्यूल है, देखो देख रहा है, देखो जैसे जैसे इतना लोड नहीं आएगा, हर चैप्टर फिजिक्स के लगभग तीन तीन चैप्टर आएंगे, ठीक है। और ये हम लोग जो प्लानिंग मैंने दी है, जो मैंने ये शेड्यूल दिया है, आप उससे बिटवीन हर टेस्ट के बीच में हर एक चैप्टर को अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो, देखो ठीक है। फिर अपने ये फुल सिलेबस स्टार्ट हो जाएंगे, जो लास्ट टेस्ट अपना है वो है फर्स्ट ऑफ, यहाँ पे मे है, फर्स्ट ऑफ मे तक लास्ट टेस्ट जाएगा फुल सिलेबस का, राइट। तो अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो करते हो तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता, आपका स्कोर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें दम है, अनलेस अंटिल आपने मेहनत में चोरी नहीं की, ठीक है। मेहनत आपने अगर की है, आपने इसको प्रॉपर्ली फॉलो किया, आपने ध्यान से हर लेक्चर देखा जो मैंने यहाँ पे दिया है पूरे लेक्चर, ठीक है, ये पूरा कंटेंट अगर आप देखोगे अप्रोक्सिमेट 29 लेक्चर्स का, अप्रोक्स हर लेक्चर जो है 2.5 अगर एवरेज भी ले तो ये 75 घंटे का लेक्चर है, ठीक है। और 75 दिन में तो कर सकते हो ना यार, ठीक है। अगर आपने 75 घंटे लेक्चर में दिए, ठीक है, और अपने लगभग लगभग मान लो इससे डबल मान लेता हूं मैं, हर चैप्टर के लिए तीन तीन घंटे, चार चार घंटे भाई, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि भाई आपने हर चैप्टर के लिए चार घंटे दिए, तो 120 आप हमने लगभग दिए एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। तो भी आपका 200 घंटे के अंदर अंदर पूरा फिजिक्स निपट रहा है जितना हमको चाहिए इनिशियली, ठीक है। मैं ये नहीं करके फिजिक्स का मास्टर बन जाओगे या बाकी टॉपर्स कॉम्पीट कर लोगे, लेकिन खुद को बहुत इंप्रूव कर लोगे, राइट। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग जितने भी लोग हैं जिनको टेस्ट में एनरोल करना है, लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एनरोल करो फटाफट से, व्हाट्सएप का लिंक ऐप पे जल्दी मिल जाएगा, और हम लोग जल्दी ही ओरिएंटेशन क्लास रखने वाले हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।